हे हाय एवरीवन, दिस संबंध में तो यार आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल एमओटी की स्पॉट टाउन काउंसलिंग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ट्रिपल एमओटी स्पॉट टाउन का शेड्यूल आज आ चुका है वेबसाइट पे। आप जाके एक बार डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं और उसकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से सुनना चाहें तो बिल्कुल आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी हम स्पॉट टाउन से रिलेटेड या जो भी डाउट होंगे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, वो हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहली बात कि ट्रिपल एमओटी का स्पॉट टाउन कैसे होने वाला है। तो यार देखो, इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने वाली है ये सब ऑनलाइन होंगी, बट इसमें जो सीट अलॉटमेंट होगा वो ऑफलाइन होगा। सीट अलॉटमेंट ऑफलाइन इन द सेंस आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, वहां आपको सीट अलॉट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा। तो इसका सेंस यही हुआ कि ये काउंसलिंग कैसे हो रही है, ऑफलाइन मोड में की जा रही है। इसका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, इसमें सीट वैकेंसी कब हमें मिलेंगी, और सेकेंड चीज़ कि कितनी हमें फीस पे कर लेके जानी पड़ेगी साथ में, और डेट क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डाउट है और हमें एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रिपल एमओटी की स्पॉट टाउन काउंसलिंग में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम दो तरीके के लोग देखेंगे। पहली चीज़ तो जेई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप जेई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, देन आप इस केस में ट्रिपल एमओटी की स्पॉट टाउन में एलिजिबल नहीं है। सेकेंड चीज, अगर मान लो आपने जेई मेंस का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, तो उसमें दो तरीके के लोग आएंगे। एक ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने ट्रिपल एमओटी की काउंसलिंग में अभी तक स्पॉट, जो भी अभी तक राउंड हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी राउंड में पार्टिसिपेट किया है, और एक ऐसे कैंडिडेट आएंगे जिन्होंने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और एक ऐसे कैंडिडेट आएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन मान लो कर दिया था लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे की तो किसी भी राउंड में स्पॉट पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। तो ये तीन टाइप के कैंडिडेट रहेंगे। तो सबसे पहले हम उन कैंडिडेट की बात करेंगे जो ट्रिपल के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं, वो लोग ट्रिपल एमओटी के स्पॉट राउंड के लिए इलिजिबल रहेंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने ट्रिपल एमओटी के जो अभी तक राउंड हुए हैं, सेवंथ राउंड और स्पेशल राउंड में, उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था लेकिन फीस नहीं पे किए थे, तो वो लोग भी ट्रिपल एम के स्पॉट राउंड के लिए इलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं ऐसे लोग जिन्होंने ट्रिपल एमओटी की काउंसलिंग में, नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें तीन तरीके के लोग आएंगे। एक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सीट अलॉट कर दी गई थी, और एक ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने सीट अलॉट तो हुई थी लेकिन उन्हें विथड्रॉ कर दी है, और एक तीसरे कैंडिडेट ऐसे आएंगे जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई थी। तो ऐसे लोग जिन्हें सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने सीट ले रखी है, वो लोग ट्रिपल एम की स्पॉट राउंड में काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें ट्रिपल एम में सीट अलॉट ही नहीं हुई थी, वो लोग स्पॉट राउंड के लिए इलिजिबल है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट तो हुई थी लेकिन वो किसी राउंड में अपनी सीट को विथड्रॉ कर चुके हैं, तो वो लोग भी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए इलिजिबल रहेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यार इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो बेसिकली है 11 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक। 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 14 दिसंबर तक रात शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो 11 से 14 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बजे सुबह 11 दिसंबर को सीट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें खाली हैं। थर्ड बात करेंगे यार, स्पॉट राउंड में कैटेगरी और सब कैटेगरी का कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। सारे कैंडिडेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपका ईडब्ल्यूएस को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, किसी भी कैटेगरी या सब कैटेगरी का, आपके पास फ्रीडम फाइटर है, ये सारी चीज़ों का कोई भी एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। सारे कैंडिडेट एज अ जनरल ट्रीट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि यार आपको कब कॉलेज में विजिट करना है, ठीक है, कॉलेज में विजिट कब करना है। तो कॉलेज में आपको 16 दिसंबर को 11 एएम तक विजिट कर लेना है, मतलब 11 बजे 16 दिसंबर को आपको कॉलेज में विजिट करना है, और इसी दिन आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। साथ ही साथ जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने काउंसलिंग में लगाए होंगे उनकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, एंड आपके पास डीडी होनी चाहिए, 90,000 रुपये की डीडी होनी चाहिए, जो भी आप कॉलेज के नाम ट्रिपल एम के कॉलेज के नाम बनवाएंगे। अब कौन सा नाम आपको डीडी में यूज करना है उसे मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इस नाम की आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के 90,000 रुपये का कॉलेज में लेके जाना है। साथ ही साथ आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब यार एक बात और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नहीं बताई आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए, तो अगर आपने अभी तक किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उस केस में आपको 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी, सॉरी 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आपने पहले किसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो होप यार ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक्स में और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं चीज़ें को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ यार चलता हूँ, थैंक यू, टेक केयर।